वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज हमारा पहला दिन है कनाडा में, टेक्निकली दूसरा दिन है क्योंकि हम लोग कल पहुंचे थे। एंड वी आर स्टेइंग इन लंदन और ये एक जगह है ओंटेरियो में। और अभी हम लोग जा रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी ग्रोसरी लेने के लिए। सुबह नहीं है, अभी दोपहर हो रही है, हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी लेने के लिए। सो लेट्स गो। सो गाइस, वी आर ऑन द वे और हम लोग जा रहे हैं लवलस, इट्स अ ग्रोसरी स्टोर। और मैं आप लोग को बैक व्यू चेक कराती हूँ कनाडा का। We are at Loblaws. ये जगह है, अभी आप लोग को अंदर जाके भी हम दिखाएंगे साथ में। It's sunny today, तो अच्छा लग रहा है। साथ में वैसे एक बहुत क्यूट सा बेबी है, सो आई एम गोना शो यू द बेबी। बेबी पीछे बेचारा। अच्छा, कनाडा का सीन ये है यहाँ पे, क्योंकि जगह इनके पास बहुत ज़्यादा है तो सिंगल सिंगल फ्लोर बिल्डिंग्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं और दूर दूर हैं। अब ये देखें आप यहाँ पे, तो ये सिंगल स्टोरी है, इसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी बिल्डिंग नहीं है। और इस तरह से यहाँ पे आपको जितनी बिल्डिंग्स है ना, वो सिंगल सिंगल फ्लोर वाली ही नज़र आएंगी मोस्टली। और उसके अलावा आज रात को हमने जाना है, एक फैमिली में हमने इनवाइट किया हुआ है बारबेक्यू पे, तो रात को हम लोग वहाँ पे जाएंगे। सो या आई थिंक पहला दिन तो अच्छा गुजर रहा है। ये जो कार्ट है वो यहाँ पीछे से ही मिलती है, पार्किंग एरिया से ही। और इतनी बड़ी कार्ट है इसका, ये देखें डिज़ाइन ऊपर नीचे। लेनी हमने थोड़ी सी चीज़ें, लेकिन हमने कार्ट ऐसी ली है जैसे हमने कुछ महीने का सामान लेना है। Okay. अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। वाओ, ये स्टोर तो बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है, अच्छा खासा बड़ा स्टोर है। और स्टार्ट में यहाँ पे सारे केक्स नज़र आ गए हैं। हमारा जो ट्रेवल फूड है ना, वो है बर्गर पैटीज और चिकन नगेट्स खाना। तो यहाँ पे हमने फ्रोज़न सेक्शन में वो देखना है, साथ में हमने ब्रेड वगैरह और इस तरह की चीज़ें लेनी है, डेयरी की चीज़ें लेनी है। तो लेट्स सी यार, यहाँ पे ये बंस नज़र आ गए हैं काफ़ी सारे। ये तो इतनी वैरायटी है यहाँ पे, वाओ। ब्रेड की भी बहुत सारी वैरायटी है। अच्छा, हमने लेनी है सिंपल जो प्लेन ब्रेड होती है वो देखनी है। एक तो रेजन्स वाली भी मिलती है, आई थिंक ये लग रही है प्लेन ब्रेड है ना। ये पकड़ लेते हैं प्लेन ब्रेड। अच्छा, और इसके अलावा सही है, देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की यहाँ ब्रेड्स हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है भाई, ये देखें। तो ये बंस भी हैं, क्या हमें ये वाले नहीं चाहिए, थोड़े छोटे वाले चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये खाने हैं मफिन्स, मफिन्स या ये केक्स हैं यहाँ पे, ये रखे हुए हैं। ये जो भी खाया था ये अच्छा लग रहा था ना, ये रख लेते हैं। अच्छा, ओह आई लव दिस, कितने क्यूट हैं वहाँ, जी देखें मिनी मफिन्स। भाई यहाँ पे कनाडा में ये सीन है, जब आप चीज़ लेते हो तो उसकी जो प्राइस मेंशन होती है उसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता, ऐसा ही है ना, मोस्टली जगहों में टैक्स नहीं लिखा होता। तो टैक्स जब आप पेमेंट करते हो तो आपको पता चलता है उसके ऊपर टैक्स अलग से होता है। अभी हम आ गए हैं फ्रोज़न सेक्शन में, यहाँ पर हमने ढूंढे हैं हलाल नगेट्स और हलाल बर्गर पैटीज। तो हमने डिसाइड किया कि हम पहले ये नगेट्स लेते हैं और बर्गर पैटीज नहीं लेते। साथ में हमने ये चिप्स लिए हैं, एक क्रिस्पी है और एक ये थोड़े सॉफ्ट वाले हैं, तो ये लेते हैं। बाकी ये जो रख लिया ना, फिर ये निकालना पड़ेगा। हाँ, ये बंस, ये फिर निकाल दें, चले। अच्छा, जूसेस में हमें सिर्फ ये ऑरेंज के नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो है बॉटल्स पड़ी हुई, लेकिन ऑरेंज थोड़ा सा सार होता है तो हम लोग ना लेना चाह रहे हैं कि यार ये चूज़ कर लें, एप्पल, क्रैनबेरीज और पाइनएप्पल में से कोई एक। क्या लिखा हुआ है, मैंगो, ये वो पैशन फ्रूट है ना जो हांगकांग में मैंने किया था उसका फ्रूट टेस्ट चैलेंज, ये ले ले फिर। अच्छा, अभी हम लोग लेने लगे हैं ये वाला, ये है पाइनएप्पल मैंगो अनानास मैंगो। और ये देखें यहाँ पे आ गए आइसक्रीम्स। हर जगह जाके मीठे के इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं ना कि लिटरली कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ये सिंपल कोन्स वगैरह मिल रही हैं, नहीं यार हो गया बस, यही चाहिए था। हाँ जी, अच्छा, इसके बाद फहद के एक फ्रेंड है, उन्होंने अपनी तरफ हमें बारबेक्यू के लिए बुलाया था, हम वहाँ चले गए थे और बहुत ही ज़बरदस्त बारबेक्यू था, खा के बहुत मज़ा आया, साथ में बहुत मज़े का खाना भी बना हुआ था। मैंने इतने टाइम बाद प्रॉपर पाकिस्तानी खाना खाया है, मतलब अपने हाथ का तो इंसान खाता ही रहता है, लेकिन वो बात नहीं थी। और बस फिर आप देखें नेक्स्ट शॉट। तो अभी हम लोग बाहर का थोड़ा सा चक्कर लगाने के लिए निकले हुए हैं, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको रेजिडेंशियल हाउस दिखाती हूँ कि किस तरह से हैं।
तो ये देखें इनका जो बिल्डिंग्स का डिज़ाइन है इस तरह का है और बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत है इन घरों का। ये मुझे बात अच्छी लगी क्योंकि इनका फ्रंट यार्ड अलग से है और बैक यार्ड भी है। अभी हम ना वॉक करके जा रहे हैं, यहाँ पे करीब एक पार्क है तो हम पार्क में जा रहे हैं वॉक करके। और इस वक्त धूप तो है लेकिन इस धूप में सिर्फ लाइट है, गर्मी नहीं है। तो ये देखें दिस इज़ हाउ अ कैनेडियन हाउस लुक्स लाइक। ये लोगों ने अपनी कार्स के पीछे इस तरह से पूरी ट्रॉली लगाई हुई है, इसने भी लगाई हुई है, वहाँ रोड के ऊपर भी ये कार खड़ी हुई है, उसके पीछे उसने ये अलग से कैरी बैग जो भी होता है, वैन टाइप की जो भी चीज़ होती है, ये देखिए ये लगाई हुई है। कनाडा में ये यहाँ पे घर हर चीज़ शॉप्स बहुत दूर दूर हैं, तो आई थिंक लोग इस तरह की चीज़ें रखते होंगे एक जगह से दूसरी जगह कोई बड़ा सामान ले जाना होता होगा। ये अभी हम सामने आ गए हैं पार्क में और पार्क देखें, इसकी तो कोई बाउंड्री वॉल भी नहीं है और ऐसी ओपन पार्क है। खैर हम तो आसपास वैसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे ये सिस्टम है, अगर आप लोगों ने कनाडा में रहना है तो आपके पास कार होना इज़ अ मस्ट, बिकॉज यहाँ पे दूर दूर जगह हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है नहीं। मैंने सुना टोरंटो में अच्छा है लेकिन यहाँ जैसे भी हम लोग लंदन में हैं तो यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, तो सब लोगों ने अपनी कार्स रखी हुई हैं। और मुझे ये पीछे फ्लैग नज़र आ गए तो उसके बाद मैं पिक्चर बनाऊँगी ताकि वो मैंने इसकी वीडियो के कवर पर लगाऊँगी। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो लोगों ने अगर किसी को मेल भेजनी होती है तो ये कलेक्शन पॉइंट नहीं है, ये यहाँ पे आप आके डिपॉजिट कर दो, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर ऑफिस वगैरह दूर होते होंगे तो फिर वहाँ से आके इनकी कंपनी वाले खुद ही यहाँ से ले जाते हैं मेल्स, तो ये एक अच्छा सिस्टम है। आर्बेक्स पे आए हैं अभी हम लोग और यहाँ पे हमारा कॉफ़ी पीने का मूड है। मुझे तो ये डबल चॉकलेट ब्राउनी चाहिए, फाहद ने कुकी खाना है और विश ड्रिंक का भी करना ऑर्डर। ओके गाइज, तो आज हमने कुछ खास किया नहीं और यहाँ पे आज था विजिल डे, सो लेट मी जस्ट टेल यू गाइज कि क्या हुआ था। ये एक इंसिडेंट है जो आज से 2 साल पहले हुआ था। एक फैमिली थी जिसका नाम था द अफजल फैमिली के नाम से, वो यहाँ पे मशहूर है। तो उसमें लाइक हस्बैंड वाइफ, उनके 2 बच्चे और उनकी ग्रैंड मदर साथ में थी और लाइक दे वर फ्रॉम पाकिस्तान। वो यहाँ पे जो है रोड क्रॉस कर रहे थे एंड देर वॉज अ मैन हु वॉज ड्राइविंग दिस ट्रक एंड ही वॉज लाइक इस्लामोफोबिक, और उसने क्या किया कि वो ट्रक उनके ऊपर से गुजार दिया एंड दे डाइड ऑन द स्पॉट। सो देर वॉज अ लिटिल बॉय हु वॉज सेव्ड और जो है वो बस बच गया, बाकी पूरी फैमिली जो थी ऑन द स्पॉट अनफॉर्चुनेटली दे पास्ट अवे। और फिर यहाँ पे जितने कैनेडियन कम्युनिटी है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो गैदर होते हैं इस दिन और एक तरह से जो है उनकी मेमोरी में, और दे लाइट द स्लेंडरिंस, हर किसी का अपने लिए अपने अपने तरह का हिसाब होता है, लोग उनके लिए दुआ करते हैं और दे गैदर अराउंड। और यहाँ पे अच्छे खासे मतलब लोग हैं जो उस चीज़ को उस चीज़ के उसमें आते हैं, रिस्पेक्ट में आते हैं। एंड देन आफ्टर लाइक 3 मंथ्स द गवर्नमेंट दे क्रिएटेड द मोन्यूमेंट, और उस टाइम पे जो यहाँ का मेयर था ही लिफ्टेड द कोविड रिस्ट्रिक्शन और इस अटैक को कंडेम करने के लिए, और यहाँ पे ना उसने मतलब लोग काफ़ी सारे आए और उसने बोला कि नहीं आप लोग बेसिकली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यू कैन गैदर अराउंड। तो ये सारा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था। तो और जहाँ पे भी मैं रह रही हूँ, ये यहाँ से कोई 10 मिनट्स की ड्राइव पे जगह है जहाँ पे ये हुआ था। तो बस ये था और हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, तो बस मैंने कहा आप लोगों से भी ये इंसिडेंट शेयर करूँ। और जो है उसके अलावा बस आई थिंक आई विल एंड माई व्लॉग हियर और आई होप आप लोग को वीडियो देख के अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया। अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।